हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो नमस्कार। अभी मैंने हाल ही में आपको आंवले की एक क्विक रेसिपी बताई थी और आप सभी ने उसे बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको लहसुन अदरक और हरी मिर्च का अचार बनाना बताती हूँ। यकीन मानिएगा, जब इस आप इस अचार को बनाएंगी और खुद भी खाएंगी और परिवार के लोगों को खिलाएंगी, बाकियों को खिलाएंगी, तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें इसे बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले तो हमें लहसुन चाहिए। माना आपने 200 ग्राम लहसुन लिया, अच्छा मोटा खिला हुआ साफ लहसुन लीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा पका हुआ अदरक लीजिएगा, 150 ग्राम आप अदरक लेंगी, सबसे ज्यादा लहसुन, उसके बाद उससे कम आप अदरक लीजिएगा, और 50 ग्राम आप हरी मिर्च लीजिएगा। हरी मिर्च ऐसी ताजी होनी चाहिए, लंबी बिल्कुल फ्रेश हरी मिर्चें हों। मसाले अब हमें कौन कौन से चाहिए अब हम देखते हैं। आपकी रसोई घर में ये सारे मसाले मिल जाएंगे आपको। जैसे आपको विनेगर चाहिए, ये वाइट विनेगर है प्लेन वाला। सरसों का तेल आपको चाहिए, अचारों में अधिकतर सरसों का तेल हम डालते हैं। काला नमक चाहिए हमें थोड़ा सा हमें सफेद नमक, चाहे आप ये नॉर्मल डाटा का नमक इस्तेमाल करते हैं तो वो लीजिए, सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं। लाल मिर्च हम दूसरी वाली डालेंगे, जिसे हम देगी मिर्च कहते हैं, ताकि उसमें रंग आ सके। थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम लेंगे, ये मेथी दाना है, मेथी दाना, कलौंजी और जीरा, इन तीनों को मिलाकर मैंने भून लिया है इस तरह से, हल्का सा इन्हें भून के हम इसको बाद में ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी सी मैंने लाल सूखी मिर्च ली है बड़ी वाली, क्योंकि मुझे इस तरह की मिर्चें नहीं मिल पाई, तो मैंने खूबसूरती के लिए ये सूखी हुई लाल मिर्च ले ली है, जिनको मैं कैंची से काट कर दो दो पीस करके इसमें डालूंगी, मुझे सुंदर लगती है वो। थोड़ा कुटा हुआ धनिया लेंगे, धनिया पाउडर, बिल्कुल पिसा हुआ धनिया ना हो, थोड़ा कुटा हुआ हो। जीरा मैंने आपको बता दिया, जीरा, कलौंजी और मेथी दाना, ये तीन चीजें हम इसमें थोड़ा सा भून कर डालते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे देसी खानों में हींग तो सबसे ज्यादा आवश्यक है ही, हम हींग लेंगे। और इस अचार की जो बिल्कुल जान है वो है इमली। एक इमली आती है जिसमें बीज नहीं होते, सीडलेस इमली होती है, आप सीडलेस इमली लीजिए, उसको धोइए हाथ से, बिल्कुल मसल कर उसको धो लीजिए, पानी उसका बिल्कुल निकाल दीजिए। ध्यान रखिएगा कि जब आप इन चीजों को भी लेंगी, साफ करने के बाद, धोने के बाद, इनका पानी बिल्कुल खुश कर दीजिएगा, पानी नहीं रहना चाहिए अचार में। ऐसे ही आप इमली को पानी में भिगो के मत रखिएगा, पानी से धोकर फिर उसको अपने मिक्सर में डालकर हल्का सा उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इस अचार को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपने ये अदरक लिया, लहसुन लिया, हरी मिर्च ली। अदरक को आपने बहुत अच्छी तरह से छीला, धोया और पोंछ के साफ कर लिया और सुखा लिया। ऐसे ही आपने लहसुन को किया, लहसुन की सारी कलियां खोल ली। कलियां खोल के आप इनको हल्के गुनगुने पानी में खाने का सोडा जो होता है ना, वो डालकर थोड़ी देर के लिए आप भिगो दीजिए। थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, जिसमें बस आपका हाथ तो जा सके, हाथ ना जले। उसके बाद आप देखिएगा ये बड़ी जल्दी छिल जाता है, वरना एक एक को चक्कू से छीलने में बहुत टाइम लगता है। और हरी मिर्चों को आप ऐसे ही साबुत धोइएगा, धोने के पोंछने के बाद आप इनका जो ऊपर का कैप है, ये डंडी है, इसको निकालिएगा। अगर पहले निकाल दिया आपने तो मिर्च के अंदर पानी जा सकता है। अचार जब भी हम बनाते हैं, किसी भी चीज का बनाए, तो उन सारी चीजों को जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सब्जियां हैं, उनको हमें पानी उनके अंदर नहीं रहना चाहिए। अब आप देखिए हम बनाएंगे कैसे। हमने लिया 200 ग्राम, ये 150 ग्राम, ये 50 ग्राम, तो हमारा जितना भी ये मिक्स सामान है, इसमें से जो 3/4 हमारा सामान होगा, उसको हम मिक्सी में डालकर इस तरह से हल्का सा दरोड़ लेंगे। देखिए मैंने कैसे दरोड़ के रखा, ताकि जल्दी वीडियो बने। इस तरह से बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, हल्का हल्का दरोड़ के करेंगे, इसको खाने में बड़ा अच्छा लगता है। मसालों की तरह पीसना नहीं है, दरोड़ना है। 3/4 पोर्शन तो हम इसका इस तरह से दरोड़ लेंगे और मिक्सी में मतलब ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद जो 1/4 पोर्शन बचा, ये है लहसुन, इसको मैंने ऐसे बीच से काट काट कर छोटा बना लिया, पतला और छोटा कर लिया। ऐसे ही मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें, जो 1/4 पोर्शन की थी, उन्हें इतना मोटा काट के रख लिया, और जो थोड़ा अदरक था उसको मैंने इस तरह से लंबा पतला काट लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे बनाएंगे कैसे। ये हमारा ग्राइंड किया हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है।
जो अभी हमने इस पूरे अचार का 3/4 पोर्शन ग्राइंड किया था, ठीक है। इसके बाद हमने इसको काट के रखा था, अब हम इसमें ये कटा हुआ पोर्शन डाल देंगे। तीनों चीजों का हम डाल देंगे इसके अंदर पोर्शन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अचार बनता है ये, इसको खाने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं जो कि लहसुन नहीं खाती हूँ, मैं भी इस अचार को खा लेती हूँ, ये इतना टेस्टी है। और ये हमने डाल दिया इसमें लहसुन। अब हमारी ये तीनों चीजें इसमें डल गई, ग्राइंडेड भी चला गया और ये जो हमने मोटा काट के रखा था वो भी हमने इसमें डाल दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें एक चम्मच ऐसे टीस्पून नमक डालेंगे। 1.5 स्पून डाल लीजिए, जितनी इसकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से, थोड़ा सा कम ही डालेंगे, इतना डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास ये वाइट विनेगर है, बिल्कुल प्लेन वाइट विनेगर लीजिए। और क्योंकि हमने इसमें इमली भी डालनी है, तो अब हम इसमें एक चम्मच, एक ढक्कन इसका ये, एक और एक बार हम और इसके अंदर विनेगर डाल देंगे, क्योंकि विनेगर जो है वो इसमें फ्लेवर भी देगा और इसके अंदर हल्की सी खटास भी दे देगा। थोड़ी खटास तो हमारी इससे आ जाएगी जब हम इसमें इमली डालेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही, बल्कि अगर आपके पास टाइम हो तो इसको आप हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। इसको बिल्कुल छेड़िए मत और मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। हम इसको ढक देंगे, आप ढक के रखेंगे, ये हमारा अब मैरिनेट होगा। इस बीच हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इस बीच हमने ये थोड़ी सी कलौंजी ली, एक चम्मच हमने मेथी दाना लिया और एक चम्मच हमने जीरा लिया। इसको मैंने गैस पर हल्का सा भून लिया, भून लेने क्योंकि मेरे पास टाइम है, ये थोड़ा सा मैरिनेट हो रहा है तो ये मैंने भून के रखा, जल्दी से ये काम हो जाए इसलिए। आप भी इसको हल्की गैस पर भून लीजिएगा। भुना हुआ जो मसाला होता है उसकी खुशबू अचार में बहुत अच्छी लगती है, सौंधी महक आती है। इसके बाद हम इसको पीस लेंगे, बिल्कुल महीन ग्राइंड कर लेंगे। बाकी सारे मसाले तो हमारे ऑलरेडी ग्राइंडेड हैं, बस इन तीनों को हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पीस के तैयार हो गए, ठीक है जी। अब माना हाफ एन आवर हो गया, अगर आपके पास टाइम है तो हाफ एन आवर करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हाफ एन आवर में जरा और अच्छा हो जाता है ये। इसके बाद अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले हम इसी मसाले को मिलाते हैं जो हमने ग्राइंड किया है। ये देखिए चम्मच से आप इसमें ये सारा मसाला मिला लीजिए। मसाले अगर सही हो और सही मात्रा में मिलाए जाएं तो अचार जो है वो बहुत बढ़िया बनता है। अचार में दो बातें जरूरी हैं, एक तो सफाई से बनाया जाए, दूसरा उसमें पानी ना हो बिल्कुल, पानी से अचार जो है वो खराब हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे टी स्पून लेंगे, इसमें हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इस बीच मैं पहले क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा तेल गरम होने रख देती हूँ, क्योंकि हमें बाद में तेल चाहिएगा इसके लिए। अब इतना अचार है, हमारा 200 ग्राम ये था, 150 ग्राम ये और 50 ग्राम ये, उसके लिए हम सरसों का तेल, इतना एक कटोरी सरसों का तेल लेंगे और उस तेल को मैं गरम होने रख देती हूँ इस बीच। उसके बाद मैं मसाले मिलाऊंगी ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे वीडियो देखने में। ये मैंने तेल ले लिया, तेल जो है ये पूरा एक कटोरी हम ले लेंगे। ये पहले से मैंने पका के रखा हुआ है तेल, सरसों का तेल जो होता है उसके अंदर एक पिक्यूलियर सी महक होती है, इसलिए उसको हमेशा पका के इस्तेमाल किया जाता है, वरना वो उसकी जो महक है वो कई बार अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए उसको पका लेना चाहिए। मैंने इसलिए पका के रखा था। अब देखिए हमने धनिया पाउडर डाल दिया, वो वाले मसाले डाल दिए, नमक हम डाल ही चुके थे पहले, अब हम इसमें सौंफ का पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच हम इसमें कुटी हुई सौंफ है, ये 2 चम्मच टीस्पून हम सौंफ डाल देंगे। थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे, देगी मिर्च से इसमें रंग सुंदर आएगा। हल्दी अचार को ना केवल टेस्टी बनाती है, इसके लिए ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है,
हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल देनी चाहिए, एक चम्मच से ज़्यादा डाल दीजिए आप हल्दी, हल्दी कोई नुकसान नहीं देती। और जो मैंने आपको कहा था कि अचार की, इस अचार की जो जान है वो है ये इमली, ये इमली इसके अंदर हम डाल देंगे, पूरी की पूरी इमली हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सब कुछ डालने के बाद अब हम इसको चलाएंगे। अभी हींग हमारी रह गई, हींग हम डालेंगे इसके अंदर। हींग भी आप हाफ टी स्पून डालिए, हींग जो है वो अचार को खुशबू भी देती है और उससे वो पेट के लिए अच्छा भी होता है। हींग, हींग तो बहुत ही गुणकारी है, जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस भी खाने में ज़रूर कीजिए हींग का इस्तेमाल। ये जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये वाली मिर्च डालनी अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लाल मिर्च नहीं मिली थी तो मैं अब इसमें थोड़ी सी ये वाली मिर्च भी काट कर डालूंगी, दो दो तीन तीन टुकड़े करके इस तरह से कैंची से काट कर इसको डाल दूंगी। ये दिखती हैं सुंदर लगती हैं दिखती भी। इच्छा तो थी मेरी कि लाल मिर्च मुझे हरी वाली, ये फ्रेश वाली मिल जाती, लेकिन वो मिल नहीं पाई। अब हम इसको मिलाएंगे हल्के हाथ से, बहुत कस कस के नहीं, हल्के हाथ से अब हम इसको मिलाएंगे। देखिए इसका रंग सुंदर आने लगा हल्दी से, इसके अंदर सिरका है, नमक है। अब थोड़ा नमक तो हमने उस समय डाल दिया था, अब बाकी का हम वाइट वाला सॉल्ट नहीं डालेंगे, बाकी हम डालेंगे इसमें काला नमक। अचारों में हमेशा याद रखिएगा नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है, तो अब हम इसमें थोड़ा काला नमक डालेंगे। काले नमक से इसमें खुशबू भी आएगी, महक अच्छी होती है और ये डाइजेस्टिव भी ज़्यादा होता है, तो टेस्टी बनाता है खाने को। ये चाट मसाला है, काला नमक है, ये चीज़ें तो हमारे रसोई घर में होती ही हैं हमेशा। कभी खाना कम अच्छा टेस्टी बने ना तो उसमें आप चाट मसाला या MDH के मसाले डालिए तो बहुत अच्छे टेस्टी खाना बन जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा तेल कितना तैयार हुआ। तेल जो है वो थोड़ा गर्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं हो और उबलता हुआ भी नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म तेल हम इसमें डालेंगे। एक बार आप इस अचार को बना लेंगी, आप बार बार आपकी इच्छा होगी कि मैं इस अचार को बनाऊं, ये इतना टेस्टी अचार बनता है। कोई पीस अगर मोटा रह जाए तो आप उसको बाद में काट सकती हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, देखिए मैं आपको लाइट में दिखाती हूँ, कहीं से हरा है, कहीं से पीला है, कहीं से सफेद है, कहीं लाल है। अभी हमारा तेल गर्म हो गया, आप देख सकते हैं ना हल्का हल्का इसमें गर्माहट जो है वो आ गई है। अब हम इसको लेकर इस अचार में मिक्स करेंगे, ऐसी ऐसी वो आएगी इसमें चर चर की सी हल्की सी आवाज़, ये इन मसालों को पका भी देगी और इसको प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगी। बस बन के तैयार हो गया आपका अचार, अब आप इसको खाइए खिलाइए। एक दो दिन के लिए आप इसको बॉटल में भर के जब आप रखेंगे तो एक दो दिन तो आप इसको धूप में रख लीजिए, और धूप में रखते समय आप इसको शीशी का मुंह बंद मत करिए, उसको कपड़े से ढक दीजिए, और उसके बाद आप इसको आराम से अपने किचन में रखिए, चाहे अगर आप लंबे टाइम तक खाना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रखिए। जैसे कई घरों में अचार रोज नहीं खाया जाता है, कभी कभी खाते हैं, तो ऐसे में अचार को आप फ्रिज में रख दें। बस ये आपका अचार बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसको आप धीरे धीरे, जैसे जैसे इसका समय लगेगा इसमें ये रचता जाएगा, पीला भी हो जाएगा और इसके अंदर इमली भी अपना वो छोड़ेगी, खटास, सिरका भी है इसमें डला हुआ, ये बड़ा खट्टा खट्टा अच्छा सा लगता है टेस्टी खाने में। अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना हो तो आप थोड़ा इमली की मात्रा बढ़ा सकते हैं, सिरके की मात्रा मत बढ़ाइएगा, इमली की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लहसुन अदरक और मिर्च का अचार, आशा है आप लोग इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करेंगे
और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजेंगे कि आपका ये अचार कैसा बना और आपको ये कैसा लगा। जैसे आपने आंवले के लिए लिखा, ऐसे ही आप इसके लिए भी जरूर लिखिएगा। और हाँ, आजकल हम लेडीज की एक बड़ी भारी हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि वो बाल बहुत झड़ने लगे हैं। जिसको भी आप, जिससे भी आप बात कीजिए, आप यही सुनेंगे कि भाई हाँ, बाल बहुत झड़ते हैं, क्या किया जाए। कभी तो डैंड्रफ हो जाती है या बड़ी जल्दी जल्दी सफेद होते हैं तो हमें उनको कलर करना पड़ता है। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं इसी बात पर बनाऊंगी कि हम अपने बालों को झड़ने से, जल्दी जल्दी सफेद होने से और डैंड्रफ की समस्या से हम कैसे छुटकारा पाएं, इसको हम कैसे कंट्रोल करें। उसमें मैं आपको और बातें बताने के साथ ही साथ एक ऐसा तेल भी बनाना बताऊंगी जो शर्तिया आपकी इस प्रॉब्लम में आपको बहुत मददगार साबित होगा। तो पहले की तरह इस मेरे इस अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आपके बीच हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।